Hello, good evening students. Today in 11th class physics, we are continuing our discussion on rotational motion. आज अभी हम लोग ले रहे हैं kinetic energy of rotation. Kinetic energy of rotation. Kinetic energy of rotation में बच्चों अभी हम लोग ये कह रहे हैं, suppose any object is rotating with a constant angular velocity omega. Suppose you are considering what? रिजिड ऑब्जेक्ट है ना, इसमें पार्टिकल से नहीं स्टार्ट कर रहे हम लोगों ने, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट लिए हैं वो एक पार्टिकल से स्टार्ट किए और पार्टिकल्स के कॉन्सेप्ट को फिर अभी हम लोगों ने एक्सटेंड किया टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना. तो अभी हम लोग डायरेक्टली वही अप्रोच ले रहे हैं. सपोज द रिजिड ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अबाउट अ फिक्स एक्सिस. एक्सिस बच्चों फिक्स्ड है, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. एक्सिस फिक्स्ड है, उसका एग्जाम्पल बच्चों अभी लोग फैन कह सकते हैं. फैन में ऑब्जेक्ट्स रोटेट कर रहे हैं, जो ब्लेड्स ऑफ द फैन है वो रोटेट कर रहे हैं और एक्सिस जो है, एक्सिस बच्चों फिक्स रहती है. दिस इज द एक्सिस अबाउट विच the blades of the fan are rotating. So all the particles will be having same angular velocity. सारे particles की angular velocity तो same होगी. अभी हम लोगों ने concept कई बार discuss किया है. जैसे suppose for example this is the axis और इसमें ये ऐसा कुछ rotate कर रहा है, तो इसके सारे particles एक साथ एक ही angle cover करेंगे. Suppose if this is the object और ये रोटेट करके बच्चों ऐसा कुछ आ गया, तो इसमें सारे पार्टिकल्स एक ही एंगल कवर करेंगे एक ही टाइम, मतलब एंगल कवर्ड विल बी सेम इन द सेम टाइम. देयरफॉर ऑल द पार्टिकल्स विल बी हैविंग व्हाट, सेम एंगुलर वेलोसिटी. सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन उतने ही टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उतने ही टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उतने ही टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. किसी टाइम इंटरवल में अगर कोई पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है. सो वी से दैट ऑल द पार्टिकल्स, तब इसमें ये लिख लें, सपोज द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ एन पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 and so on up to mn. This is made up of n particles or masses m1, m2, m3 and so on. And these are moving on, suppose ye m1 hai, which are moving on circular orbits of radiuses R1, R2, R3 and so on up to Rn. इन पार्टिकल्स के रेडियस बच्चों अभी उन्होंने बता दिए क्या है, R1, R2, R3 and so on. अब इसमें क्या बोल सकते हैं, ऑल द पार्टिकल्स विल बी हैविंग, ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी. सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी बच्चों सेम रही, ठीक है. अब लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स. लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स. तो अब suppose this is the axis and this is the object which is rotating about this axis. This is the axis. ये एक particle है जिसका mass m1 है और इसका radius of the orbit r1 है. Suppose एक ये particle है जिसका mass m2 है और इसका radius r2 है. Suppose ये m3 mass वाला particle है और इसका radius r3 है. तो ऐसे अभी हम लोग सारे तो नहीं mark कर सकते, but we are marking some. M4 इसका रेडियस R4 है, मतलब ये इस सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव कर रहा है, ये इस सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव कर रहा है. दिस इज मूविंग ऑन अ लार्जर रेडियस.
तो सारे पार्टिकल्स जो है अलग अलग रेडियस पर मूव कर रहे हैं. तो नाउ व्हाट वी डू, कंसिडर द आईएथ पार्टिकल. Of mass mi, ये अभी हम लोगों ने ले लिया. काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल के आई लिख दे रहे हैं. दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर. हाफ एमवी स्क्वायर बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर ले लिए. बट वी आई कैन बी रिटन इक्वल टू व्हाट, आर आई इनटू ओमेगा. ओमेगा आई नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, व्हाई आर वी नॉट राइटिंग ओमेगा आई, बिकॉज ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स. सारे पार्टिकल्स के लिए ओमेगा बच्चों सेम है, तो अब हम लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं. तो के आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो ध्यान से, के आई विल बी इक्वल टू हाफ एम आई वी आई स्क्वायर. तो वी आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर आई इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर. वी आई की वैल्यू आर आई इंटू ओमेगा, आर आई इंटू ओमेगा इधर रख दो तो ऐसा कुछ आ जाएगा, हाफ एम आई आर आई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर. ये के आई की वैल्यू आ गई. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आई एच पार्टिकल. अब क्या करेंगे, इसके बेसिस पर के वन निकाल सकते हैं. के वन कितना आ जाएगा बच्चों, आई की जगह वन रख दो, हाफ एम वन आर वन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर. के टू निकाल लो, ऐसा कुछ आएगा, के थ्री आई की वैल्यू वन टू थ्री रख लू. एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्शन, और डायरेक्शन से रिलेटेड अगर है भी तो अभी हम लोगों ने बोल दिया एक्सिस बच्चों इसकी फिक्स है ना, एक्सिस इसकी फिक्स ले रहे. तो अब हम क्या बोलेंगे, के एन will be equal to half mn rn square omega square. अब क्या कर सकते हैं, total kinetic energy k will be equal to k1 plus k2 plus k3 and so on up to kn. सारे particles की kinetic energy add कर दो, क्या मिलेगा बच्चों, हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन, हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो इसमें ओमेगा स्क्वायर बाय टू कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बाय टू कॉमन लेने के बाद बच्चों एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एम एन आर एन स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा. अब इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, ओमेगा स्क्वायर बाय टू तो ये है, ये क्या चीज है बच्चों, समीशन एम आर स्क्वायर. ये क्या है, समीशन एम आर स्क्वायर. और समीशन एम आर स्क्वायर क्या है, समीशन एम आर स्क्वायर इज नथिंग एल्स बट आई. तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ गया. सो वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. क्या ये रिलेशन कंपेयर कर सकते हैं अभी हम लोग किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. तो हाँ बच्चों ये कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन में कितना आता था, हाफ एम वी स्क्वायर आता था, मास की जगह आई आ गया और वी की जगह बच्चों क्या ओमेगा आ गया. और इसमें अभी हम लोग बोलते हैं आई जो है
दैट विल डिपेंड ऑन द एक्सिस। आई जो है एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने एक्सिस चेंज कर दी, अगर आपने इसमें थोड़ा सा स्ट्रिंग बांधकर इसको दूर कर दिया या इसको थोड़ा दूर कर दिया, तो क्या होगा, आर वन आर टू आर थ्री सब चेंज हो जाएंगे। मास वही है, सब कुछ वही है, लेकिन क्या होगा, डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे। सो वी से दैट वंस अगेन दिस टर्म डिपेंड्स ऑन आई, आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। चलो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग ले रहे हैं, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या है बच्चों, अभी हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन इज, इसको बहुत सिंपल टर्म्स में अगर अभी हम लोग बताएं, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि आप इस पेन को अगर देखें, इस पेन का मूवमेंट कंसिडर करना बच्चों, जस्ट ट्राई टू सी ऑब्जर्व द मूवमेंट। इसमें अगर ये ऐसा रखा हुआ है, अगर आपने इसको ऐसा रखा, तो ये क्या हो रहा, रोल करते हुए, मतलब रोटेशन भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो जितने भी टायर्स हैं व्हीकल्स के, वो रोलिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। फैन जो है, फैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्योर रोटेशन। फैन एक अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों किसका, प्योर रोटेशन का। तो क्या टायर्स में प्योर रोटेशन पॉसिबल है, टायर्स में कभी क्या प्योर रोटेशन पॉसिबल है? हाँ, तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपने जैक लगा दिया, टायर को ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं किया, और फिर इंजन स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, उसके टायर जो हैं प्योर रोटेशन परफॉर्म करेंगे, है ना। प्योर रोटेशन समझ में आ गया। एक और तरीका है, सपोज इफ योर बाइक गेट स्टक इन अ सैंड, इन अ हीप ऑफ सैंड, रेत के ढेर में अगर आपकी बाइक फंस गई, तो क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ती है, उसी जगह पर क्या करती है, प्योर रोटेशन, है ना। तो प्योर रोटेशन में और रोलिंग में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। प्योर रोटेशन में ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा नहीं, रोलिंग में रोटेट भी कर रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो जितने भी टायर्स हैं व्हीकल्स के, वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हैं, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें ले रहे हैं बच्चों, रोलिंग मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। कॉन्सेप्चुअली ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। देखो इसमें अभी हम लोग ये कह सकते हैं प्योर रोटेशन, प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, देखो ये पेन अभी हमने ले लिया, और इस पेन में जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व, ये पेन में अगर ऐसा स्लाइड कर दें, आप इस पेन को अगर ऐसा स्लाइड कर दो, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन, ऐसा कुछ अगर स्लाइड कर दें तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। आप इसको इसी जगह पर रखकर, इसी जगह पर अगर रखकर रोटेट करें, तो ये प्योर रोटेशन है, ये रोटेशन है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो किस टाइप का मोशन आएगा, ये हम लोग बोलेंगे इसमें ये रोटेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, है ना। तो ये दोनों मिलाकर, किस किस चीज को मिलाकर, रोटेशन और ट्रांसलेशन, या रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, दोनों को मिलाकर जो बनता है, उस मोशन को अभी हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। अच्छे समझना, हमने बहुत सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल से सारी चीजें बता दी। हमने बोला कि टायर में प्योर रोटेशन, उसी जगह पर खड़े होकर, इसी जगह पर खड़े होकर ये रोटेट कर रहा है ना।
इसी जगह पर खड़े होकर ये रोटेट कर रहा है, और इसमें इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, बच्चों सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा बना दे ताकि हम यहां पर इसको देख पाए अच्छे से। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास आगे नहीं बढ़ेगा किसका, प्योर रोटेशन में। प्योर रोटेशन में ये देखो, ये यहां कहीं पर ये ऐसा इसी जगह पर ये रोटेट कर रहा है, दिस इज व्हाट प्योर रोटेशन है ना। फैन एक अच्छा एग्जांपल है। टायर ऑफ अ बाइक इफ इट गेट स्टक इन अ हीप ऑफ सैंड, रेत के ढेर में अगर आपका बाइक फंस जाए, या स्टैंड पर लगाकर, सेंटर स्टैंड लगाकर आप बाइक स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा, उसका टायर रोटेट करेगा। तो प्योर रोटेशन का एग्जांपल है ना। तो अभी हमने बता दिया प्योर रोटेशन में क्या होता है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चों टेंजेंट के डायरेक्शन से मिलती है, ये पार्टिकल राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जब आप ये रोटेशन को ऑब्जर्व करोगे, किसी भी रोटेशन को, तो ये बच्चों पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है, ये वाला पार्टिकल इसकी नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी है, ये वाला पार्टिकल ऑब्जर्व करना मूवमेंट ऑफ द हैंड, ये वाला पार्टिकल बच्चों लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब इसको देखना, ये वाला पार्टिकल दिस इज टेंडिंग टू मूव अपवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, है ना। तो अब इसको अच्छे समझना, हम लोग क्या बोलेंगे, यहां कहीं पर इसको मार्क कर लेना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको सिंस वी हैव मार्क्ड दिस विद द हेल्प ऑफ अ रेड कलर, तो अभी हम लोग इसको रेड कलर से ही मार्क कर दें। VCM की वैल्यू, VCM की वैल्यू जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो इन दिस केस। इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन टॉप मोस्ट पॉइंट का ये V है, इस पॉइंट का ये V है, इसका ये V। अब इसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या पॉसिबल है टायर्स में, मतलब रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ ऐसा देखना, ऐसा स्लाइड कर रहा है, ऐसा कुछ ये स्लाइड कर रहा है, ऐसा कुछ स्लाइड कर रहा है, दिस इज स्लाइडिंग। इज दिस पॉसिबल इन टायर्स? यस दिस इज पॉसिबल व्हेन यू अप्लाई सडन ब्रेक्स। ब्रेक्स जब आप अप्लाई करते हो तो क्या होता है, टायर्स रोटेट करना बंद कर देते हैं और दे सिंपली डू व्हाट, ट्रांसलेटरी मोशन। तो उसमें क्या होगा बच्चों, ये जितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा उतनी ही वेलोसिटी से सेंटर आगे बढ़ेगा, उतनी ही वेलोसिटी से ये भी आगे बढ़ेगा। सारे पार्टिकल्स देखो, इमेजिन करना ये ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, इसको देखो, बीच वाले को देखो, इसको देखो, सारे के सारे सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, जितनी वेलोसिटी ऊपर वाले की है उतनी ही सेंटर की है, उतनी ही राइट की तरफ। रोटेशन में क्या हो रहा है, रोटेशन में क्या सेंटर आगे बढ़ रहा है, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व, सेंटर आगे तो नहीं बढ़ रहा, सेंटर जहां पर था वहीं पर है, इसलिए लिखा हुआ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों कितना है, जीरो। ऊपर वाला पार्टिकल लेकिन राइट की तरफ जा रहा है, नीचे वाला पार्टिकल लेफ्ट की तरफ, क्यों, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ये दोनों को मिला के जो बनता है इसको अभी हम लोग रोलिंग मोशन बोलते हैं। रोलिंग मोशन में इस पॉइंट पर ये वाली वेलोसिटी रोटेशन के कारण, ये वाली ट्रांसलेशन के कारण दोनों ऐड हो जाती हैं, ये 2V हो जाता है। हमने बोला रोटेशन के कारण ये पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है, ट्रांसलेशन की वजह से भी ये राइट की तरफ जा रहा है, V और V मिलाकर 2V आ जाएगा। सेंटर पर वेलोसिटी इधर पर तो जीरो है लेकिन इधर पर V है, तो दोनों को मिलाकर सेंटर की वेलोसिटी थोड़ी सी कम रहती है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी वेलोसिटी सेंटर की वी है। सेंटर की जीरो क्यों होती है, अभी हमने आपको बताया ही है, जब ये रोटेट कर रहा है बच्चों, जब ये रोटेट कर रहा है तो रोटेशन में क्या हो रहा है, रोटेशन में सेंटर के आगे बढ़ रहा है, नहीं, ऊपर वाले पार्टिकल को क्या हो रहा, ऊपर वाला पार्टिकल इधर की तरफ, ऊपर वाला पार्टिकल राइट की तरफ, और नीचे वाला लेफ्ट की तरफ जाने की टेंडेंसी है। आप देखो, अगर हम इसमें कोई कलर मार्क कर दें, देखना अच्छे से, सपोज आई एम मार्किंग सम कलर, ये रेड कलर मार्क कर दिया है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा कुछ रोटेट कर रहे हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है ना। अब इसके बाद बच्चों क्या है नेक्स्ट,
अब हम लोग बोलेंगे सबसे नीचे वाला, इसमें ये v राइट की तरफ है, ये v लेफ्ट की तरफ है, तो इस ये ऐसा लगता है जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो है। सबसे नीचे वाला पार्टिकल में ट्रांसलेटरी मोशन की वेलोसिटी राइट की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ है, तो जो पॉइंट कॉन्टैक्ट में होता है वो उस समय पर रेस्ट पर होता है, जो भी पॉइंट कॉन्टैक्ट में। चलो फिर ये अभी हमने क्या बता दिया, रोलिंग मोशन। सो रोलिंग मोशन इज, रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। ये कॉम्बिनेशन किस किस का है, ये रोटेशन का और ट्रांसलेटरी मोशन का है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेटरी मोशन भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है तो ये दोनों मिलाकर क्या आ जाते हैं बच्चों, ये दोनों मिलाकर हम लोगों को क्या देते हैं, रोलिंग मोशन। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन रोलिंग मोशन विल बी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। हमने बोला ट्रांसलेशन के कारण और रोटेशन के कारण, दोनों के कारण, रोटेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी, दोनों ऐड कर दो, है ना। अब हम इसका आपको एक एग्जांपल लेकर बताते हैं, है ना। एग्जांपल से बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग अगर इसको रोल करें किसी सरफेस पर, ये तो अभी आपने इस टाइप की चीजें चलाई होंगी, बचपन तो ऐसे ही निकलता था पहले, है ना। आप इसको अगर रोल करोगे किसी सरफेस के ऊपर तो ये रोल करता हुआ बच्चों आगे जाएगा, ये रिंग है ना। टायर की बात नहीं कर रहे, टायर तो पूरा सॉलिड होता है। सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंसीडरिंग व्हाट द रोलिंग मोशन ऑफ, रोलिंग मोशन ऑफ अ रिंग। सबसे पहला केस बच्चों आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रोलिंग मोशन ऑफ अ रिंग। रोलिंग मोशन ऑफ अ रिंग में, अच्छे सुनना बेटा, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो वाकई में आपको बहुत बहुत काम आने वाली हैं। रोलिंग मोशन ऑफ अ रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का क्या होता है आप लोग भूल गए होंगे, हम याद करा दे रहे हैं। हम लोग ने इसमें ये बताया था कि ये देखो रोलिंग मोशन में ये ऐसा रोलिंग मोशन है जिसमें ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो ये देखो ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है बच्चों ये भी आगे बढ़ रही है ना। ये जब अभी हमने स्टार्ट किया था तभी बताया था कि जब कोई चीज रोल करके आगे बढ़ेगी तो इसका जो एक्सेस है तो एक्सेस भी साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा। जब भी टायर मूव करता है तो टायर गोल गोल भी घूम रहा है, किस एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सेस के अबाउट। तो क्या ये एक्सेस यहीं पर रहती है, नहीं, क्यों, क्योंकि टायर आगे बढ़ गया तो ये एक्सेस भी आगे बढ़ गई, है ना। हमें हालांकि इससे मतलब नहीं है, इस चीज से हमें सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करने है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता है, एम इंटू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ये कितना आता है, हाफ, इसको के आर लिख दे रहे हैं बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। यह जगह हाफ आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर है और ओमेगा को अभी हम लोग बच्चों वी अपॉन आर लिख सकते हैं। ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v डिवाइडेड बाय r, ओमेगा इज v अपॉन r, क्यों, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू व्हाट, r ओमेगा, है ना। तो यही रिलेशन यूज कर रहे हैं, v अपॉन r का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो अब kt क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन की काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर होती है, कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो अभी हम लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, 9th क्लास से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशन की अभी हमने निकालनी सीख ली,
आज ही सीखी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू रख दी, ओमेगा की वैल्यू रख दी, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस दैट इन केस ऑफ अ रिंग, इन केस ऑफ रिंग आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल होगा और जो रिलेशन मिलेगा बच्चों वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है जैसा केटी है। तो रोटेशन में जो एनर्जी है और ट्रांसलेटरी मोशन में जो एनर्जी है दोनों इक्वल है। मतलब अगर हम लोग किसी रिंग को रोल कर रहे हैं, रिंग को रोल करने में दो टाइप के मोशन होंगे, दो टाइप के कौन से मोशन होंगे, एक तो रोटेशन होगा और एक ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी। तो भैया किसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो घूमने में जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही आगे बढ़ने में है, दोनों बराबर है। तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और ट्रांसलेटरी मोशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी के विल बी इक्वल टू के आर प्लस के टी, और ये कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। अब के आर अपॉन के टी कितना आएगा, ये बच्चे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, इफ अ रिंग इज रोलिंग देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, तो के आर अपॉन के टी कितना आ जाएगा, के आर अपॉन के टी निकाल लो, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर कितना जाएगा, वन अपॉन वन यानी वन। ऐसा भी पूछते हैं कि हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट इन रोटेशन, रोटेशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट इन रोटेशन, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा रोटेशन में प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग कहते हैं भाई रोटेशन रिंग के केस में जितना रोटेशन में उतना ही ट्रांसलेशन में, तो मतलब आधा आधा है। इसको अभी हम लोग सॉल्व करें तो के आर कितना बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन के कितना है, तो के कहां गया, ये एम वी स्क्वायर, तो आधी है। देखो अभी हमने बोल दिया था, ऐसा भी पूछ लेते हैं के टी अपॉन के, लो के टी अपॉन के निकाल के बता दो बच्चों, के टी कितना है, तो ये हाफ, ये बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लेना क्योंकि हम क्या करेंगे इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगला टॉपिक ले लेंगे। के टी कितना है, तो के टी की वैल्यू बच्चों ये है हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर यानी ये वन बाय टू। अब इसमें ये याद रखना एक ट्रिक भी है जो अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना, कि ये के आर अपॉन के टी और के आर अपॉन के अगर निकालना तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट किया जा सकता है ना, इतने सारे कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे। इतना नोट कर लो बच्चों क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बहुत आसान सा काम है, क्या हम अब इसको इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। हम देखो ऐसा कर देंगे भैया, लो हमने ये नया टॉपिक कर दिया, ये सेकेंड टॉपिक आ गया, रोलिंग मोशन ऑफ अ डिस्क। डिस्क क्या है बच्चों, तो डिस्क अभी हम लोग बोलते हैं, डिस्क इज व्हाट, कोई भी सॉलिड, जैसे सपोज अभी हम लोग ये कह सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट डिस्क है ना, सीडी या डीवीडी जो है दोस कैन बी कंसिडर्ड अ गुड एग्जांपल ऑफ डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों, यहां पर डिस्क लिखना है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय टू। ये फॉर्मूला है किसका बच्चों, ये फॉर्मूला किसका, डिस्क का, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कितना आएगा, थोड़ा सा अब तो चेंज करना पड़ेगा है ना, अब इसलिए अभी हमने बोला था उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करेंगे, जो जो चीजें एडिशन में है वो अब हम रेड कलर से करते जाएंगे। आई जो है वो एम आर स्क्वायर बाय टू आ गया, अब इसमें आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, आई की वैल्यू बच्चों कितनी, एम आर स्क्वायर बाय टू रख दी, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, चलो अच्छा। अभी हमें ऐसा लगता है कुछ बच्चों को, लो ये हटा दिया,
ठीक है, अब हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। जितना जरूरी है बच्चों उतना लिखा रहने देंगे। देखो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी अब ये सारी चीजें बच्चों हम लोग फिर से करने वाले हैं। हम पहले सोच रहे थे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, लेकिन उससे कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए अभी हमने ये सारा ड्रॉप कर दिया। अब देखो रोलिंग मोशन ऑफ डिस्क में आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय टू हो गई, हाफ एम आर स्क्वायर बाय टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू बच्चों वी अपॉन आर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पर के आर की वैल्यू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/4 एफ वी स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन, ये तो सेम है, दिस रिमेन सेम इन एवरी केस। और के आर प्लस के टी कितना आ जाएगा बच्चों, के आर प्लस के टी ये 1/4 एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, सॉल्व करने पर बच्चों कितना आ जाएगा, वन बाय फोर प्लस वन बाय टू बच्चों, तो ये आ जाएगा 3/4, ये 3/4 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद के आर अपॉन के टी क्या आ जाएगा, के आर अपॉन के टी इफ यू ट्राई टू सिंप्लीफाई, देखो के आर अपॉन के टी, तो के आर अपॉन के टी ये 1/4 एम वी स्क्वायर है अपॉन के टी, तो के टी कहां है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो आंसर इसका 1/2 है ना। हिंट इसमें ये है कि के आर अपॉन के टी का जो आंसर है, के आर अपॉन के टी का जो आंसर है ये वही रहता है जो नंबर एम आर स्क्वायर के साथ है, एम आर स्क्वायर के साथ जो नंबर है, एम आर स्क्वायर के साथ जो नंबर है 1/2, वही के आर अपॉन के टी में आंसर आता है। पिछले केस में भी देख लेना है ना, अभी आगे के केसेस में भी अब हम ये चीज रिपीट करते जाएंगे है ना, आपको याद भी हो जाएगा। अब के आर अपॉन के क्या है, हमने क्या बोला के आर अपॉन के टी का जो आंसर आता है दैट इज सेम एज द आंसर विद और द नंबर विद एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर के साथ जो नंबर है वही आंसर इधर आता है। अब के आर अपॉन के, तो के आर अपॉन के बच्चों कितना है 1/4 एम वी स्क्वायर अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 3/4, तो ये 1/3 आ जाएगा, चेंज हो गया। के टी अपॉन के, तो के टी बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर है अपॉन कितना 3/4 एम वी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 1/2 इंटू 4/3, यानी ये 2/3 आ जाएगा। तो इसमें के आर अपॉन के टी की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 1/2, के आर अपॉन के की वैल्यू, के आर अपॉन के की वैल्यू कितनी 1/3, और के टी अपॉन के की वैल्यू 2/3। इनकी भी बच्चों ट्रिक्स हैं ये, लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्यों कुछ और केसेस भी अभी हम लोगों को रोलिंग के लेने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक ऑन द नेक्स्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।